वेलकम फ्रेंड्स, बिल्कुल वहीं से रुक रहा हूं जहां पर मैंने लास्ट वीडियो कंप्लीट की थी। अगर आपने ये ईपीएस कैलकुलेट करने वाली वीडियो नहीं देखी है बेटा, तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज इसके बाद का आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंडेटरी है कि एक बार आप इससे पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने ईपीएस कैलकुलेट करना सिखाया है वो आप ज़रूर देख लीजिए। देख ली है तो ठीक है, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो कंटिन्यू करते हैं मेरे साथ में जी। अब हम क्या करेंगे, एक बार दोबारा से ईपीएस कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ये था क्वेश्चन आपका, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सेम क्वेश्चन था और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फंड्स की रिक्वायरमेंट 30 लाख है, इंटरेस्ट रेट 10% है, टैक्स रेट 30% है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा, सिर्फ हम यहाँ पर एक चीज चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर EBIT को चेंज कर रहे हैं हम 2 लाख, दैट्स इट। बिल्कुल सेम सिचुएशन है, तीनों सिचुएशन 1, 2, 3 डेट हम 0 मानेंगे, 10 लाख मानेंगे, 20 लाख मानेंगे, और अब हमारे को यहाँ पर EPS कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगला पड़ाव हमारा शुरू होता है, हम दोबारा से एक बार EPS कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को एनालाइज करेंगे। ठीक है, शुरू करें। मुझे पता है अब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि आपने ऑलरेडी ईपीएस कैलकुलेट करना सीख लिया है मेरे साथ में, तो अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं। सिचुएशन हमारे पास में कितनी थी बेटा, सिचुएशन थी हमारे पास में 3। वन टू थ्री, इसको हटा देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जी। ये लीजिए, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही एक बार रिपीटेशन भी हो जाएगा आपका जो आपने पीछे किया था। सबसे पहले हमारा क्या आया था बेटे, टोटल फंड्स। टोटल फंड्स हमारे तीनों सिचुएशन में कितने थे बेटा, 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख। फिर हमने कहा था डेट एट द रेट 10%, फर्स्ट सिचुएशन में 0 था, सेकंड में 10 लाख और थर्ड में 20 लाख, है ना, क्लियर। सी में हमने क्या निकाला था, इक्विटी का अमाउंट निकाला था और हमने कहा था ए माइनस बी कर दो, इक्विटी का अमाउंट निकल जाएगा। फर्स्ट सिचुएशन में हमारा इक्विटी आएगा 30 लाख, दूसरी सिचुएशन में आएगा 20 लाख और तीसरी सिचुएशन में आएगा 10 लाख। याद आ गया सब कुछ, टोटल फंड 30 लाख है, डेट से पैसे रेस कर रहे हैं 0, तो इक्विटी कितना बचा 30 लाख। टोटल फंड 30 लाख है, 10 लाख हम यहाँ रेस कर रहे हैं डेट से, तो बाकी कितना बचा इक्विटी से। फिर डी में हमने क्या निकाला था, नंबर ऑफ शेयर्स, और हमने क्या माना था 10 रुपये का शेयर है, तो यहाँ निकल गए थे हमारे 3 लाख। 30 लाख डिवाइड बाई 10, 20 लाख डिवाइड बाई 10, 2 लाख, 10 लाख डिवाइड बाई 10, 1 लाख। यहाँ तक हमारा बिल्कुल क्लियर था बेटे, बिल्कुल सेम था हमारा, हमने कोई चेंज नहीं किया, जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही है। अब यहाँ पर हमने एक चेंज किया, वो मैं यहाँ पर आपको रेड से कर देता हूँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये चेंज हो गया हमारा। पिछले क्वेश्चन में 4 लाख था और यहाँ पर कितना हो गया 2 लाख। ये चेंज आया है हमारा, अब हमारा सिर्फ ये चेंज आया है और हमें क्या निकालना है बेटा, यहाँ पर हमें निकालना है EPS। सबसे पहले हम क्या लेस करेंगे बेटा, इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट एट द रेट 10%। 10% किसका, डेट का, डेट का 10%, 0 का 10% कितना है 0, 10 लाख का 10% कितना हो गया 1 लाख, 20 लाख का 10% कितना हो गया 2 लाख। इंटरेस्ट लेस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स का मतलब क्या है, ई माइनस एफ। 2 लाख में से 0 गया
जीरो? अरे बाबा 2 लाख, ये गलती मत कर देना जल्दबाजी में, यही सबसे बड़ी गलती होती है हम। हालांकि बेसिक मैथमेटिक्स है लेकिन गलती होने का चांस होता है, स्किप कर जाते हैं फटाफट हम। 2 लाख में से 1 लाख गया, 1 लाख, और 2 लाख में से 2 लाख गया जीरो। अरे वाह 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 वाह, यहाँ जीरो हो गया। हाँ ये ध्यान रखना है आपने, अर्निंग बिफोर टैक्स फर्स्ट सिचुएशन में 2 लाख है, सेकंड में 1 लाख, और थर्ड में जीरो। एच, अर्निंग बिफोर टैक्स निकल गया, अब लेस करेंगे टैक्स। लेस टैक्स एट द रेट 30%, 2 लाख का 30% होता है 60,000, 1 लाख का 30% होता है 30,000, और जीरो का 30% होता है जीरो। हमने अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस कर दिया, अब हमारे पास क्या आएगा बेटा? हाँ जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको बोलते हैं PAT, पैट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 लाख, 2 लाख में से 60 गया, 1 लाख 40,000, 1 लाख में से 30 गया 70,000, एंड 0 माइनस 0 इट्स 0। अब हम निकालेंगे यहां पर अर्निंग पर शेयर, दैट इज कॉल्ड EPS। यहां पर अब आ जाइए जी, हमारे पास में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 1,40,000, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेटा? 3 लाख। तो 1,40,000 को 3 लाख में डिवाइड कीजिए बच्चों, कैलकुलेट कीजिए, इट वुड नियर वर्ड ऑफ काम 4.666, तो ये आ जाएगा 0.47। 70,000 को 2 लाख से डिवाइड कीजिए, जो 70,000 प्रॉफिट है वो कितने में बटेगा? 2 लाख शेयर होल्डर्स में बटेगा, तो इट वुड कम 0.35। और यहाँ प्रॉफिट ही जीरो है तो बटेगा क्या? जीरो, EPS आ गई जीरो। अब देखिए यहाँ पर बेटा अगला पॉइंट है हमारा EPS EBIT एनालिसिस। यहां पर EPS क्या हो रहा है जरा देखिए, गिर रहा है। मैं आपको दूसरी शीट के साथ कंपैरिजन करके दिखाता हूं बेटे। ये रही मेरे पास दोनों शीटें हैं, आपके पास भी दोनों होंगी, जरा देखिए अगर आपको दिख रहा है। जी हाँ दिख रहा है, ये रही सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन में 0.93 था, फिर ये बढ़ गया, फिर ये बढ़ गया, लेकिन यहां पर हमारा EPS घट रहा है, फिर और घट गया। हमने पहली सिचुएशन में ये निष्कर्ष निकाला था कि जब भी हम डेट से पैसा रेज करते हैं EPS बढ़ती है, जब भी हम डेट की तरफ मूव करते चले जाते हैं तो हमारी EPS बढ़ती है। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया यार, या तो EPS घट रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? EPS कैलकुलेट करना तो आ गया, वो तो हमें समझ आ गया, EPS कैसे कैलकुलेट करना है, डेट चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, ये भी हमें समझ आ गया। लेकिन यहां पर ये क्या हुआ कि भाई यहां पर EPS बढ़ रही है और यहां पर EPS घट रही है, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम क्या है, ये समझ में नहीं आई मेरे को बेटा। आपको समझ में आई? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास में ROI में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में बेटा। इसका सॉल्यूशन हमारा निकलेगा ROI के थ्रू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आई होप पहला पॉइंट यहां पर आपको क्लियर हो गया, EPS कैसे कैलकुलेट करनी है। हमने पहले वीडियो में भी EPS कैलकुलेट करना सिखाया, यहां पर भी आपको सिखाया। अब हम चलते हैं ROI कैलकुलेट करने में। अब हमारा निष्कर्ष है, सॉल्यूशन है, इसलिए बड़े ध्यान से समझना मेरे बेटा, बहुत ध्यान से फोकस करना इस पॉइंट के ऊपर में, क्योंकि अब हमारा एनालिसिस पार्ट स्टार्ट हो रहा है सारा। ठीक है, अब हम एनालिसिस पार्ट में सबसे पहले निकालेंगे ROI। एक्स लिमिटेड है, ये हमारा केस 1 था। केस 1 के अंदर हमारी EBIT बेटा कितनी थी? 4 लाख थी हमारी EBIT, है ना? केस 1 में हमने प्रीवियस वीडियो में EBIT कितना लिया था? 4 लाख। अच्छा जी, टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की थी हमने? 30 लाख की। तो अब हम यहां निकालेंगे ROI। ROI का मतलब क्या होता है? EBIT अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। नहीं समझे?
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है, वापसी कितना मिल रहा है। आई रिपीट, आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है, वापसी कितना मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड आरओआई। तो केस वन की आरओआई निकाल लें, ये हो गया हमारा 4 लाख डिवाइड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया हमारा 13.33%। आरओआई निकालना आ गया। अगला पॉइंट, मैंने कहा था ना आरओआई निकालना भी सीखेंगे, आरओआई तो बहुत आसान है निकालना। चलिए केस टू की आरओआई अब आप खुद निकाल के देखिए। केस टू में ईबीआईटी कितना था हमारा, 2 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, सेम 30 लाख। इस केस में आरओआई निकालिए आप, 2 लाख डिवाइड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ कैलकुलेट कीजिए यार, अब सारे काम मैं ही थोड़ी कराऊंगा। आरओआई निकालना नहीं सीखना आपने, कमाल है भाई, निकालो ना। 6.67% लाइक चीटिंग करने में लगे रहेंगे, खुद नहीं कैलकुलेट करनी है ना। यहां पर हमने एक चीज और सीखी, क्या, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं। अब आते हैं सबसे मेन क्रक्स पर, कि हमारी एक सिचुएशन में ईपीएस बढ़ रही थी, दूसरी सिचुएशन में ईपीएस घट रही थी, ऐसा क्यों हुआ। और इसी को मैं नाम देता हूं ईपीएस ईबीआईटी एनालिसिस। देखिए देखिए जरा, फर्स्ट केस में हमारी आरओआई है केस वन में आरओआई कितनी है बेटा, 13.33%। फर्स्ट केस में इंटरेस्ट रेट कितना था डेट का, 10%। ध्यान से सोचिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डेट से पैसा लेता हूँ 10% पे और अपने बिजनेस में लगाता हूँ, तो मुझे रिटर्न कितने की मिलेगी बेटा, 13.33% की। बात समझ आ रही है। अगर मान लो मैंने 1 लाख रुपया डेट से रेस किया, तो मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, 10%, यानी कि 10,000। और वही 1 लाख रुपया मैं अगर अपने बिजनेस में लगाता हूँ, तो मुझे फ़ायदा होगा 13,333 रुपये का। इंटरेस्ट कितना पे करूँगा, 10,000। प्रॉफिट कितना होगा, 13,333, यानी कि मुझे 3,333 रुपये का फ़ायदा होगा या नहीं होगा, सोच के बताओ। बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं उस पर हमें वापसी कितना मिलेगा। मैंने डेट से पैसा रेज किया 10% पे और बिजनेस में लगाऊंगा, तो मुझे प्रॉफिट कितने का होगा, 13.33% का, यानी मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट कितने का मिलेगा, 3.33% का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। इसी वजह से ईपीएस बढ़ी। अब बात समझ आई, जब भी आरओआई इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होती है और हम डेट की तरफ मूव करते हैं, ऑन डेट मूवमेंट, यानी हम डेट की तरफ मूव करेंगे, तो ईपीएस बढ़ेगी ही बढ़ेगी बेटा, क्योंकि हम 10% से कंपेयर कर रहे हैं ना डेट से। अगर मैं डेट से पैसा रेस करूंगा तो मेरी ईपीएस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब केस टू लेते हैं बेटा। केस टू में मेरी आरओआई थी 6.67%, इंटरेस्ट रेट था 10%। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, कि मेरा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और मेरी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कम है। भाई फिर तो मैं बेवकूफ़ हुआ। अगर मैं 10% पर पैसा ले रहा हूँ, बिजनेस में लगा रहा हूँ और बिजनेस में मेरे को मुनाफा हो रहा है 6.67% कम हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे तो नुकसान हो जाएगा। मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और मैं इंटरेस्ट को पैसा पे करूंगा तो मेरी ईपीएस घटेगी। इसलिए मेरी ईपीएस घटेगी। बात समझ आई बेटा, बात समझ आई। इसका मतलब हमने ये सॉल्यूशन निकाला, ये निष्कर्ष निकाला कि जब भी आरओआई हमारी इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होगी और हम डेट की तरफ मूव करेंगे तो ईपीएस बढ़ेगी। जब भी हमारी आरओआई
इंटरेस्ट रेट से कम होगी और हम डेट की तरफ मूव करेंगे तो हमारी ईपीएस घटेगी। इसको लिख ले बेटा एक बारी, मैं एक बार लिखवा देता हूं आपको। इन केस वन आरओआई, आरओआई कितनी है बेटा 13.33% इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कितना है बेटा 10%। इन केस वन आरओआई 13.33% इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट 10%, सो इट विल बी, सो इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू रेज the funds, to raise the funds through, to raise the funds through debt. In case one, ROI, that is 13.33%, is greater than interest rate, which is 10%. So it will be in the interest of the organization to raise the funds through debt, as it will increase, it will increase the EPS of share holders. It is the favorable situation. ये कंपनी के लिए फेवरेबल सिचुएशन है अगर वो डेट से पैसा रेज करती है, क्योंकि कंपनी की आरओआई 13.33% है, इंटरेस्ट रेट 10% है, यानी 10% पर वो पैसा उठाएगा, बिजनेस में लगाएगा और बिजनेस में कंपनी को फायदा होगा 13.33%। आप सेकेंड सिचुएशन में देखते हैं उसमें क्या होगा। इन केस टू, इन केस टू ROI, which is 6.67%, is less than the interest rate, is less than the interest rate of 10%. So if company opts to raise the funds, if the company opts to raise the funds through debt, it will decrease, it will decrease the EPS of shareholders. I repeat, in case 2, ROI, that is 6.67%, is less than the interest rate, which is 10%. So if company opts to raise funds through debt, it will decrease the EPS of shareholders. It is unfavorable situation. आई होप अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस ढूंढ लिए यहां तक आते आते। ये रही फर्स्ट शीट जब हमने वीडियो में डिस्कस किया था, तब मैंने आपसे कहा था हाउ टू कैलकुलेट EPS, हमें कैलकुलेट करना आ गया। EPS EBIT रिलेशनशिप हमारा क्लियर हो गया।
कि EBIT ज़्यादा होगा तो EPS बढ़ेगी, EBIT कम होगा तो EPS घटेगी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये अभी हम डिस्कस करते हैं। ROI कैलकुलेट करना आ गया हमें, वाई डेट इज़ कंसिडर्ड टू बी द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस ये भी हमें आ गया। अब व्हाट इज़ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इसको ज़रा एक बार मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ और हमारा ये टॉपिक हो जाएगा कम्प्लीट। बेटे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी, यानी इक्विटी से पैसा रेज ना करके डेट से पैसा रेज करना। अब आप मुझे बताएंगे कि कब हमें डेट से पैसा रेज करना चाहिए, इक्विटी से नहीं करना चाहिए, बताइए कब हमें डेट से पैसा रेज करना चाहिए, कब हमें इक्विटी से पैसा रेज करना चाहिए, बताइए बताइए। डेट से हमें कब पैसा रेज करना चाहिए, जब हमारी ROI इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे ये हो गए टोटल फंड्स, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें, इक्विटी और डेट। और ये हमें कब रेज करना चाहिए, जब हमारी इक्विटी से हम कब रेज करते हैं, जब हमारी ROI इज लेस देन और मोर देन, लेस देन ऑफ व्हाट, सोच के बताओ, ऐसे नहीं। डेट से पैसा हमें कब रेज करना चाहिए, हमने अभी किया था, जब हमारी ROI इज मोर देन इंटरेस्ट रेट, है ना, जब हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होती है तो हमें डेट की तरफ जाना चाहिए। तो इसका मतलब ROI अगर हमारी लेस देन इंटरेस्ट रेट होगी तो हमें किससे पैसा रेज करना चाहिए, इक्विटी से रेज करना चाहिए, नहीं तो हमें नुकसान हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेटा। अब क्वेश्चन आएगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमें कब करनी चाहिए, जब हमारी ROI इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के लिए जाना चाहिए, इसका मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के लिए नहीं जाना चाहिए। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है कि हमें इक्विटी को कम करके डेट से पैसा रेज करना, ट्रेडिंग ऑफ यानी इक्विटी को कम करके डेट से पैसा रेज करना, और वो हमें कब करना चाहिए, जब हमारी ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होगी तो हमारी EPS बढ़ेगी, इसलिए हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करना चाहिए। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमें कब नहीं करना चाहिए, जब हमारी ROI इंटरेस्ट रेट से कम है, इस केस में अगर हम डेट से पैसा रेज करेंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा जिसकी वजह से EPS गिर जाएगी। गॉट इट, समझ आ गई मेरी बात, बल्ले बल्ले, ग्रेट। तो बेटा यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। इस टॉपिक में हमने बहुत सारी बातें सीखी बेटा इन दो वीडियोज़ में। पहला, EPS कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, उसमें हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें इंटरेस्ट माइनस करना है, बाद में टैक्स। अगर एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न भी आ जाए तो ध्यान रखिएगा, EBIT में I पहले आता है, T बाद में आता है बेटे, समझ गए। तो पहले किसको लेस करोगे, इंटरेस्ट को, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है एग्ज़ाम में, तो आपने ध्यान रखना है पहले आप किसको माइनस करेंगे, I को, क्योंकि EBIT में पहले क्या रहा है, I, इंटरेस्ट पहले माइनस करेंगे, टैक्स बाद में करेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, शेयर का प्राइस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, अगर दिया हुआ है तो आप शेयर का प्राइस वही लेंगे, चाहे वो 10 रुपये हो, 50 रुपये हो, 100 रुपये हो या कुछ भी हो। नहीं दिया हुआ तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, बेटर है कि आप 10 रुपये एज्यूम कर लें, उससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमने सीख लिया, ROI कैलकुलेट करना हमने सीख लिया, डेट चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों होता है ये हमने सीख लिया। इज दैट क्लियर बेटा, हमने समझ लिया, चलो दैट्स ग्रेट, वेरी सिंपल। हमने क्वेश्चंस करना सीख लिया, सॉल्यूशन हमने सीख लिया, हमने कंक्लूजन भी देख ली। मैं एक बार आपको फटाफट शीट्स दिखा देता हूँ, ये हमारी फर्स्ट शीट, अरे कहाँ गई भाई, इतनी मेहनत करेंगे तो ऐसे ही होगा ना, इतनी सारी शीटें भर दी हैं मेरे साथ, आप भी कितनी मेहनत करते हो देखो ना, है ना। देखिए एक बार फटाफट रिकॉल करवा देता हूँ मैं आपको, ये हमारी फर्स्ट शीट थी बेटा जिसमें हमने EPS बढ़ता हुआ निकाला था, उसमें हमारी EBIT थी 4 लाख 4 लाख 4 लाख। फिर हमने दूसरा पार्ट किया, अरे भाई दूसरा पार्ट नीचे कैसे चला गया, ऊपर आ जाओ। फिर दूसरा पार्ट हमने किया था जिसमें हमें EBIT 2 लाख 2 लाख 2 लाख लिया था, इसमें हमारा EPS घट रहा था। फिर हमने उसके बाद में थर्ड पार्ट में ROI को कैलकुलेट करना सीखा कि ROI कैसे कैलकुलेट की जाती है। फिर हमने ROI का एनालिसिस किया कि EPS बढ़ क्यों रहा है और घट क्यों रहा है, और यहाँ पर हमने उसका सॉल्यूशन किया, ठीक है।
सॉल्यूशन करने के बाद फिर हमने यहाँ पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को समझा, कब हमें इक्विटी से पैसा रेस करना चाहिए और कब हमें डेट से पैसा रेस करना चाहिए। तो नटशेल में हमारा मेहनत सफल हुई और हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस कर लिए। अभी एक पॉइंट और आता है बच्चों के दिमाग में, सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या और हमें इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करना होगा, क्या ये 3 पेज का क्वेश्चन एक ही बारी में करना होगा? नहीं बेटे, आपको एक ही सिचुएशन दी जाएगी जिसमें आपको ईपीएस कैलकुलेट करना होगा और आपसे पूछा जाएगा कि आरओआई निकालनी है, कि मतलब हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एक ही सिचुएशन आपको दी जाएगी और अगर 6 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा ईपीएस कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन 1 या 3 नंबर का आता है तो आपको सिर्फ आरओआई निकाल के कंपैरिजन करके आपको बताना है कि हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्माइल आ गई चेहरे पे, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, इतना डिफिकल्ट लगता था सर, अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है ना। बेटा फिर एक रिक्वेस्ट, इन वीडियोस को कम से कम 2-3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि जो कोई धुंधला कॉन्सेप्ट भी रह गया वो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए और वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो टेक केयर बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स।